हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजर टेक। मैं हूं मोमिन हाशिर। तो ये है दोस्तों सोनी का न्यू साउंड बार सिस्टम, साउंड बार टाइप होम थिएटर सिस्टम, जिसमें आपको मिलता है रियल 5.1 चैनल सराउंड साउंड विद टू रेयर टॉल बॉय स्पीकर्स, या जिसे हम टावर स्पीकर्स भी कहते हैं। इन टॉल बॉय स्पीकर से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि साउंड आपको एग्जैक्टली आपके ईयर लेवल पर मिलता है, जिससे एक बहुत ही बेस्ट फीलिंग आपको मिलती है, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता है। ये है इसके कंटेंट्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैनुअल, रिमोट कंट्रोल और ये दो बैटरीज हैं। ये सारी एक्सेसरीज मैं आपको बाद में एक साथ भी दिखाता हूँ, पहले चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। थर्माकोल हटाने के बाद ये सबसे पहले है ये इसका वूफर। बाजू में आप देख सकते हैं दो डिस्क भी रखी हुई है। तो ये वूफर जो है अनरैप हो चुका है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा वूफर साइज है इसका, जिससे आपको बहुत ही पावरफुल बेस मिलता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं डिजाइन, डायमंड कट डिजाइन इसे कहते हैं। ये इसका बैक साइड में इनपुट्स आप देख सकते हैं कि 5 स्पीकर्स की पिन है, आयर ब्लास्टर, ऑप्टिकल, HDMI आउट एंड ऑक्स इन। ये सारी कनेक्टिविटीज इसमें दी हुई है, जिससे आप अलग अलग डिवाइसेस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है रेयर स्पीकर्स, जो टॉल बॉय स्पीकर्स हैं उसके लिए स्टैंड्स हैं। इसको अनरैप करके उसको नीचे फिट करना होगा स्पीकर के, लेकिन चलिए पहले स्पीकर को निकालते हैं। तो ये है इसका रेयर स्पीकर, इसको अनरैप करके देन इसके नीचे वो फिट होगा। पहला रेयर स्पीकर, देन ये साइज में थोड़ा सा छोटा है जो साउंड बार है जो फ्रंट में लगेगा। साउंड बार मीन्स सेंटर स्पीकर, राइट स्पीकर और लेफ्ट स्पीकर एक साथ ही है। ये है भले एक यूनिट, बट एक्चुअली ये तीन अलग अलग चैनल्स हैं साउंड के, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट एंड सेंटर। और उसके बाद यहाँ ये जो दूसरा है ये सेकंड रेयर स्पीकर। तो ये हो गया पूरी तरह से अनबॉक्स। ये इसका सबवूफर, ये दोनों स्टैंड्स जो रेयर टॉल बॉय स्पीकर्स में लगेंगे, बीच में जो सेंटर में होल आप देख रहे हैं वायर वहां से पास करके देन इसको फिट करना होगा। 4 स्क्रूज के थ्रू ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनुअल के साथ सारे स्क्रूज दिए हुए हैं, और एक ये HDMI केबल, रिमोट कंट्रोल और बैटरी। रिमोट कंट्रोल पे जरा एक क्लोज लुक देखते हैं, कौन कौन सी बटन्स हैं ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल रिमोट कंट्रोल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी बहुत ही आसानी से बहुत इजीली इसको यूज कर सकता है। और ये है मेन साउंड बार जो आपके टीवी के नीचे या ऊपर लग जाएगा, वॉल माउंट हो जाएगा। ये दोनों टॉल बॉय स्पीकर्स, रेयर स्पीकर्स। तो ये है इसकी सारी एक्सेसरीज। चलिए अब इसको निकालते हैं और स्टैंड को फिट करना स्टार्ट करते हैं। स्टैंड फिट करने के लिए सबसे पहले स्टैंड को किसी ऊंची जगह पर रख दीजिए। हम लोग जो है वूफर का ही यूज करते हैं इसको रखने के लिए। और उसके बाद वायर जो है इसका वो पूरा कंप्लीटली अनवाइंड कर लीजिए, पूरी तरह से उसको खोल लीजिए। और फिर ये सेंटर में, यहाँ से सेंटर से इसको गुजारिए पूरा वायर, और उसके बाद चारों स्क्रूज की मदद से इसको टाइट कर दीजिए। तो ये हो गया
है टाइड, आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टेबल है। दूसरा स्पीकर भी बिल्कुल इसी तरह से टाइट करना है। अब चलिए सारे स्पीकर्स को वूफर में कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कलर कोड्स दिया हुआ है, ब्लू को ब्लू में कनेक्ट करना है, ग्रे को ग्रे में कनेक्ट करना है। ब्लू और ग्रे जो है वो रेयर स्पीकर्स की पिंस हैं और बाकी सारी पिंस जो है वो फ्रंट स्पीकर की है, ग्रीन, वाइट और रेड। तो ये हो गया सारा की सारा कनेक्ट। ये IR ब्लास्टर की पिन है, उसको उसमें कनेक्ट कर दीजिए। ऑप्टिकल की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, HDMI ARC ही काफ़ी है, तो HDMI ARC टीवी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये है इसका फर्स्ट लुक। फ्रंट से आप देख सकते हैं कि किस तरह से डायमंड कट डिज़ाइन में इसकी जो है जाली दी हुई है। एक यूनिफॉर्म लुक है तीनों साइड से, फ्रंट, फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम। तो ये तीनों ही साइड से यूनिफॉर्म दिखता है। साइड में कुछ एक लेदर का टेक्सचर दिया हुआ है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ड्यूरेबल है। ये है इसका बैक साइड। ये होल्स आप देख सकते हैं, सिर्फ दो स्क्रूज पर बहुत ही आसानी से ये हैंग हो जाता है, किसी एडिशनल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है इसका रेयर स्पीकर। इसमें आप देख सकते हैं स्पीकर के साथ साथ ट्वीटर भी नज़र आ रहा है। ट्वीटर जो है इसके दोनों रेयर स्पीकर्स में भी है, फ्रंट में भी दो ट्वीटर्स दिए हुए हैं, जिससे जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है वो बहुत ही क्लियर सुनाई देते हैं। चलिए अब इसको सेटअप करते हैं। सेटअप का जो वीडियो है और इसकी साउंड टेस्टिंग के लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं, बहुत जल्द मैं उसे भी अपलोड करूंगा, उसके फुल डेमोंस्ट्रेशन के साथ, फुल फीचर्स के साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ऐसे ही नए नए फीचर्स, नए नए प्रोडक्ट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।